नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। आपके पसंदीदा खास खबरें प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और अब एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़े। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की बैठक में सोमवार को पार्षदों के बीच जूते चप्पल चले और हाथापाई भी हुई। आप पार्षद मोहिनी जीनवाल के हाथ में चप्पल और भाजपा पार्षद नीतू त्रिपाठी के हाथ में जूता देखा गया। महापौर ने नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी और आप पार्षद मोहिनी जीनवाल को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। और दिल्ली में हवा की क्वालिटी बेहद खराब, बड़ा प्रदूषण का स्तर भी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब पाई गई। इंडिया गेट के पास स्मॉग की एक मोटी चादर देखी गई। बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कोरोना रोगियों के लिए प्रदूषण हो सकता है जानलेवा। डॉक्टरों की राय है कि जो लोग कोरोना वायरस बीमारी COVID-19 से रिकवर हो चुके हैं और उच्च वायु प्रदूषण वाले शहर या क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। वायु प्रदूषण COVID-19 रोगियों की संवेदनशीलता, अस्पताल में भर्ती होने की और मृत्यु के जोखिम को बढ़ा देता है। और 30 दिसंबर को किसानों की महापंचायत, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत 30 दिसंबर को बुलाई गई। भारतीय किसान यूनियन के मेरठ मंडल महामंत्री नरेश चौधरी के अनुसार आगे का फैसला लेने के लिए 30 दिसंबर की दोपहर 2 बजे गाजीपुर टोल स्थित धरना स्थल पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसके लिए भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गांव-गांव से किसानों को आमंत्रित किया है। और CBSE की डेट शीट 31 दिसंबर को होगी जारी। CBSE की डेट शीट की घोषणा 31 दिसंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल शाम 6 बजे करेंगे। डेट शीट आपको CBSE की वेबसाइट cbse.nic.in पर भी उपलब्ध होगी। ये थी कुछ खास खबरें। इन्हीं के साथ मैं लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे आपसे नई और कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।